एक बात जरूर कहूंगा, मैंने आपसे कहा था कि इस फिल्म से जुड़े हुए जितने लोग हैं उनकी पहली खूबी, पहली विशेषता यह है कि सब सनातनी हैं, सब श्री राम के चरणों में श्रद्धा रखते हैं, सब श्री राम में विश्वास करते हैं। ओम राउत ने जब से आदि पुरुष का टीजर लॉन्च किया है तब से उस पर तरह तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। फिल्म से जुड़े विवादों में अब मनोज मुंतशिर का बयान भी जुड़ गया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। फिल्म आदि पुरुष के ट्रेलर रिलीज के दौरान लेखक मनोज मुंतशिर ने एक विवादित बयान दिया है। मनोज मुंतशिर ने खुले मंच से कहा है कि फिल्म में काम करने वाले सारे लोग सनातनी हैं, भगवान राम में विश्वास रखते हैं। आप ही सुनिए मनोज मुंतशिर ने पाने संबोधन में क्या कहा। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, मैंने आपसे कहा था कि इस फिल्म से जुड़े हुए जितने लोग हैं उनकी पहली खूबी, पहली विशेषता यह है कि सब सनातनी हैं, सब श्री राम के चरणों में श्रद्धा रखते हैं, सब श्री राम में विश्वास करते हैं। और कौन श्री राम? सर्व बुराई के दस हैं, शस्त्र सारे बेबस हैं, जिसपे जिम्मेदारी है तू ही वो अवतारी है। ये घड़ी, ये पल है तेरा, तेरे सच में बल है तेरा, हे रघुनंदन अब क्या शंका, मार दे रावण जीत ले लंका, जय श्री राम। बता दें कि इधर सैफ अली खान के रावण अवतार पर भाजपा हिंदू महासभा और यूजर्स ने गुस्सा जताया है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने तो उनके लुक को आतंकी खिलजी से कंपेयर भी कर दिया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने फिल्म के डायरेक्टर ओम राउत को चिट्ठी लिखकर फिल्म से आपत्तिजनक सीन और कंटेंट हटाने को कहा है। ऐसा न करने पर लीगल एक्शन लेने की चेतावनी भी उन्हें दी गई है। बता दें कि ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही सोशल मीडिया पर खराब विजुअल इफेक्ट्स के लिए ट्रोलर्स अजय देवगन की वीएफएक्स कंपनी की आलोचना कर रहे हैं। अब इस पर कंपनी की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर क्लेरिफाई किया गया है। उन्होंने कहा कि फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स पर हम काम नहीं कर रहे हैं। वहीं लीडिंग वीएफएक्स स्टूडियो NYVFX वाला ने क्लेरिफाई किया है कि उन्होंने आदि पुरुष के CG या स्पेशल इफेक्ट्स पर काम नहीं किया है और न ही इस पर काम कर रहे हैं। उनकी ओर से एक ऑफिशियल नोट में क्लेरिफाई किया गया है। खैर अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, मैं हूं दीपक। खबरों के लिए बने रहिए मृदुभाषी न्यूज के साथ।